हेलो एवरीवन, सो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कैच के हेयर फॉल की वजह क्या होती है और ये शुरू कैसे होता है और हमें इसे कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। हेयर फॉल हमको कैसे कंट्रोल करना है? सबसे पहले तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा पोशन कैच में पाई जाती है, क्योंकि उनको शेडिंग सबसे ज़्यादा होता है। कभी कभी ओनर्स को पता नहीं होता एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों स्टार्ट हो रहा है, हमारी कैच का हेयर फॉल क्यों हो। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, आपकी कैच टाइम टू टाइम डीवॉर्म हो, क्योंकि डीवॉर्मिंग एक ऐसी चीज़ है जो कैच को सबसे ज़्यादा हेल्प करती है हेयर फॉल कंट्रोल करने में, क्योंकि उनके पेट में बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स हो जाते हैं जब वो खुद को ग्रूम करते हैं, जब वो पॉटी करते हैं, खुद को ग्रूम करते हैं, बहुत सारे जर्म्स पेट में जाते हैं, तो जिस चक्कर में उनके पेट में पैरासाइट्स होना शुरू हो जाते हैं। पैरासाइट्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई रिंग वॉर्म्स होता है, कोई हुक वॉर्म्स होता है, तो ये सारी चीज़ों को डीवॉर्मिंग कंट्रोल करता है। किटन है तो एवरी 15 to 15 days में डीवॉर्मिंग होनी चाहिए, कैच है तो एवरी मंथ यू कैन डीवॉर्म, और 3 months में भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि आपकी कैट को आपको कभी स्ट्रेस नहीं देना है, जितनी स्ट्रेसफुल आपकी कैट होगी उतना हेयर फॉल उसको होगा। अब ओनर्स को ये चीज़ नहीं पता होती है कि उनकी कैट क्यों स्ट्रेस में आई है, कैसे आई है, तो मैं आपको बता दूँ, स्ट्रेस कैट को जब होता है जब वो हीट पर आती है, जब वो कोई भी अनहाइजेनिक एटमोसफियर में रहती है, और कभी आपने कोई कैच को, बाहर के कोई कैच को उससे मिलाने या आपने दूसरा कैट अडॉप्ट करने के बाद उससे मिलाया हो, जब आपकी कैच थोड़ी बड़ी हो गई हो, 5 to 6 months हो गई और आपने कोई किटन लाया हो, तो ये सारी चीज़ एक कैट को स्ट्रेस में लाती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी कैट कभी इनसिक्योर नहीं हो, उसका हमेशा एक हेल्दी एटमोसफियर में वो रहे, हमेशा आप उसको प्यार करो और कभी उसको स्ट्रेस में, मतलब हीट साइन तो नेचुरल है, वो तो होती ही है हर कैट्स को, नॉर्मली फीमेल को ले लीजिए, आप मेल को ले लीजिए, सबको हीट साइन होती है, तो उससे हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ को कंट्रोल कैसे कर, आपको कुछ कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि उसका एक डाइट अच्छा हो, आप कभी उसको मिल्क मत दीजिए, क्योंकि मिल्क अगर आपको दोगे तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा और उसका हेयर फॉल बहुत होगा। आपको हमेशा जो भी आप डाइट दे रहे हो, आपको उसमें देखना है प्रोटीन, 45% उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए, ये कैट के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन आप जो भी फूड उसको दे रहे हो, तो आपको हमेशा ये चीज़ चेक करनी है कि वहाँ पे प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा हो, फैट भी इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। आपको फूड में भी ये चीज़ देखना है, आपको मल्टीविटामिन्स में भी ये चीज़ देखना है जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड हो, आप वो चीज़ फूड तो आप दे ही रहे हो, और जो मल्टीविटामिन्स होती है जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, अगर आप वो भी इनको दोगे आपकी कैट्स को, तो ये हेयर फॉल को बहुत बहुत आसानी तरीके से इसको कंट्रोल कर लेगा। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपकी कैट्स को एक तो प्रोटीन और एक तो फैट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके हेयर्स काफ़ी बड़े होते हैं। बहुत सारे स्टोर्स में फूड्स अवेलेबल होते हैं, थोड़े हाई कंपनीज़ के होते हैं, जैसे मैं एक प्रेफर करती हूँ रॉयल कैनन हेयर एंड स्किन, वो बेस्ट है कैट के हेयर्स के लिए, वो 21 डेज़ के अंदर कैट का हेयर फॉल पूरा कंट्रोल कर देता है। तो अगर आप वो चीज़ अगर आपको एक बार आजमा के देखनी है तो आप वो भी कर सकते हो। सेकेंडली, आप आपकी कैट के अगर डेली कोमिंग करेंगे तो जितने भी डेड हेयर्स है वो सारे डेड हेयर्स आपके कोमिंग के थ्रू निकल जाएंगे, और आपको हर 15 to 15 days में अपनी कैट को बात देनी है और अच्छे से अच्छा शैम्पू और कंडीशनर अपने कैच के लिए यूज़ करना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कुछ भी कैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे DM कीजिए इंस्टाग्राम पे, मेरा यूज़र ID है कैच पे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। ये चीज़ को आप शेयर कीजिए, जिन जिन के पास कैच है उन लोगों को भी ये चीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। थैंक यू।